सब्जेक्टिव शीट नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। यस सर, 2 में डाउट। रजिस्टर, तो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैपिटल आर, अपने को एल गिवन है और साथ में सी भी गिवन है। सीरीज का मतलब ये क्या गिवन है, ई, आरएमएस गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट, जब कुछ नहीं बोला तो कौन सा करंट है, आई, आरएमएस, तो ई आरएमएस को किससे डिवाइड करना है, जेड से। ई आरएमएस आपको क्वेश्चन में गिवन है, जेड आप निकाल लेना। तो इस क्वेश्चन में एलसीआर में जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस वन बाय सी ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एल की वैल्यू पता है, ओमेगा पता है, सी पता है, ओमेगा पता है, आर पता है, आंसर। क्या है, पॉइंट क्लियर है यहाँ? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। फोर में डाउट है। 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर सी पता है, एल पता है, आर पता है, एल सी आर है, सीरीज में है, एसी सोर्स 310 साइन ऑफ 314 एफ नहीं है यार, गलती से चैट एफ नहीं की जगह टी होना चाहिए, टी है, तो यहाँ से ओमेगा आ गया, यहाँ से ई नॉट आ गया। कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, अब रिएक्टेंस में क्या सिखाया था, एक निकालो एक्स एल, एल ओमेगा, एक निकालो एक्स सी, सी ओमेगा, तो दो रिएक्टेंस निकाल दो। और नेट, अब ये भी बताना पड़ेगा एक्स एल बढ़े या एक्स सी बढ़े, अगर तो देखो एक्स एल बढ़े फिर तो इसका मतलब ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड है, तो नेट एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी एक्स एल माइनस एक्स सी, और अगर एक्स सी बढ़े एक्स एल से तो एक्स नेट की वैल्यू आएगी इसमें एक्स सी माइनस एक्स एल, तो नेट रिएक्टेंस आ गई। अब अगर तो ये बढ़े एक्स सी तो इसका मतलब ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है, तो यहाँ पर आंसर माइनस करने के बाद क्या आएगा, कैपेसिटिव इन नेचर आएगा। ठीक, पहला पार्ट है व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड अप्लाइड ईएमएफ, तो फेज एंगल में टेन फाइव का फॉर्मूला लगा लेना, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, पर अगर एक्स सी बढ़े चलो मॉड लगा लेना, बात ही खत्म, तो पॉजिटिव वैल्यूज को आर से डिवाइड कर लेना। ठीक है यहाँ तक। फोर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 8, 9 में एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है, कनेक्टेड टू एल गिवन है, बल्ब ग्लोज विद सेम ब्राइटनेस, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट सो दैट बल्ब ग्लोज विद मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एसी सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है और एक बल्ब के साथ कनेक्टेड है। अब वो कह रहे हैं जो बल्ब है वो ग्लोज विद सम ब्राइटनेस, ठीक है, आप एल के साथ क्या कनेक्ट करना चाहते हो, सी भी कनेक्ट करना चाहते हो सो दैट बल्ब ग्रोज विद मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो आपको सी की वैल्यू लगानी है, क्या लगाएं, तो क्या इसमें रूल लगेगा, करंट मैक्स, करंट मैक्स, करंट मैक्स तभी होगा क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो यानी कि इम्पीडेंस सबसे कम होनी चाहिए और बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस है बल्ब की, इंडक्टर लगा हुआ है तो एल आर सर्किट तो पहले ही था, साथ में क्या लगा दी, कैपेसिटेंस, तो क्या बन गया, एल सी आर, तो एल सी आर में इम्पीडेंस अगर मिनिमम होगी करंट मैक्सिमम होगा तो ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, सॉल्व करके आंसर आएगा सी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10th में 200 किलोमीटर लॉन्ग टेलीग्राफ वायर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ इतने माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर, तो टोटल कैपेसिटेंस आएगी 0.14 माइक्रोफेरेड को 200 से मल्टीप्लाई करके इतने माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस आएगी। इफ इट कैरीज ऑल्टरनेटिंग करंट एट फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में पता है 50 × 10³ हर्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इम्पीडेंस इज मिनिमम,
करंट मैक्स होना, इम्पीडेंस मिनिमम होना, ये सारे केस किसके हैं? रेजोनेंस के। सी आपको पता है, आपको इसमें एल निकालना है तो निकाल लेना, एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, यहाँ से एल की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, ये कैसे किया? यस सर, 12th डाउट है। अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? सीरीज एलसीआर सर्किट है कनेक्टेड टू एसी सोर्स, तो ये क्या गिवन है? ई आरएमएस, और साथ में क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर गिवन है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, कैपेसिटर गिवन है 250 वोल्ट एंड इंडक्टर गिवन है 250 वोल्ट। द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस थ्री एलिमेंट इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, जो सीरीज में होते हैं तो एल्जेब्रिक सम इनका क्या होगा, यानी कि नेट वोल्टेज क्या होगी रेजिस्टर की, इंडक्टर की और कैपेसिटर की। ये एक वहम है, ऐसा लगता है हमें, ये पैराडॉक्स है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? इस पैराडॉक्स को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये पैराडॉक्स है, ये गलत है। इस पैराडॉक्स को ऐसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, सोल्यूशन मांग रहा है, तो फिर नेट वोल्टेज क्या होगी? नेट वोल्टेज ये होगी। ठीक है, तो वो पहले पैराडॉक्स बता रहा है कि ऐसा लगता है कि टोटल वोल्टेज नेट अल्जेब्रिक सम के इक्वल होती है, लेकिन होती नहीं है। तो ऐसे केस में एक पैराडॉक्स है, इसको रिमूव करने के लिए इसको कैसे ठीक करेंगे? ऐसे ठीक करेंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, गिवन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। तो बोलो करंट क्या होगा इसमें? बोलो करंट होगा, देखो कौन सा करंट पूछ रहा है, आई आर एम एस पूछ रहे हैं। आई आर एम एस क्या होगा इसमें? ई आर एम एस डिवाइडेड बाई, वैसे कायदे से तो जेड बनता है, पर क्योंकि वोल्टेज कैपेसिटर और इंडक्टेंस की सेम है सीरीज में, तो अंडरस्टूड है एक्स सी और एक्स एल की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होगी। अगर एक्स सी एक्स एल के इक्वल है तो यानी कि इज अ केस ऑफ रेजोनेंस, और अगर ये रेजोनेंस है तो हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं? ई आर एम एस डिवाइडेड बाई आर, तो ई आर एम एस को आर से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। एल पता है, सी पता है और ये आर है, आर पता है, तो इसमें क्या निकालना है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का और क्यू फैक्टर का तो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी क्लियर है। तो क्या क्लियर है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC, या ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्यू फैक्टर निकाल लो। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या करवाया था? 1/√LC, ये भी आंसर आ गया। हाउ कैन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ द सर्किट बी इम्प्रूव्ड बाई अ फैक्टर ऑफ टू बाई रिड्यूसिंग इट्स फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। मतलब कि वो चाह रहा है कि मैं शार्पनेस को कैसे इंक्रीज करूं बाई अ फैक्टर ऑफ टू। देखो, बाय रिड्यूसिंग इट्स फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। देखो ये मुझे नहीं इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो क्या फुल विड्थ, फुल बैंड विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, मुझे स्टेटमेंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा, पर इतना समझ में आ रहा है कि यार वो कुछ ना शार्पनेस को डबल करने की बात कर रहा है। शार्पनेस तब डबल होगी, तीखी पीक तब होगी जब क्वालिटी फैक्टर हाई होगा, तो हम क्वालिटी फैक्टर को डबल कर देते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर डबल करने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, ये देखो लिखा हुआ सॉल्यूशन, टू डबल क्यू क्वालिटी फैक्टर डबल। तो शार्पनेस डबल का मतलब क्वालिटी फैक्टर डबल होना, और ऐसा कब डबल होगा? आर शुड बी हाफ, करे आर को हाफ कर दो तो क्वालिटी फैक्टर अपने आप डबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? तो शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर एक ही बात है।